हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा वो लाइफ स्टाइल में। मैं ठीक हूँ, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, मेरे ब्रेकफास्ट का मतलब फर्स्ट मील का टाइम हो चुका है, तो चलो बनाते हैं। मैं आपको रेसिपी भी दूंगी अपने फर्स्ट मील की और बताऊंगी भी कि मैं क्या बना रही हूँ। तो चलो साथ में बनाते हैं किचन में। मेरा फर्स्ट मील का टाइम हो चुका है, तो मैं फर्स्ट मील बनाने लगी हूँ साबुदाना खिचड़ी, जिसके लिए मैंने वेजिटेबल्स में आलू लिए, टमाटर लिए एंड ये लिए कैप्सिकम लिए। अगर आपके पास मटर है तो मटर ज़रूर डालें, मेरे पास नहीं है तो मैं मटर स्किप कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ये तेल गर्म करना चढ़ा दिया। सबसे पहले हम सारी वेजिटेबल्स को भून लेंगे। सारी वेजिटेबल्स साथ में ऐड कर दी है, अब इसको थोड़ी देर भून लेंगे। और बाहर का मौसम देखो, अभी 11:30 हो चुके हैं, 11:30 पूरे बज चुके हैं। कभी धूप आती है, कभी छाँव, अभी बारिश का मौसम हो गया है। अच्छी बात है बारिश आ जाए तो। और यहाँ मेरा गर्मा गर्म बन रही है हमारी साबूदाना खिचड़ी। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे हम नमक, थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें लाल मिर्ची एंड थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें हल्दी। दे सिर्फ अच्छे से इनको भून लेंगे। पानी ऐड करूँगी, जब आलू अच्छे से गल जाएगा तब हम इसमें, अच्छे से पानी सूख जाएगा तब हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे। इसको मैं कवर करके रख दूंगी। तो गाइस, मेरे आलू बहुत अच्छे से गल गए एंड हल्का सा बस पानी रह गया। इसी पॉइंट में मैं डालूंगी ये साबूदाना अपना, जो मैं रात को फुला के रखा था, क्योंकि ना फिर अच्छे से मिक्स हो जाएगा साबूदाना, हल्का सा पानी रहेगा तो फिर मैं सुखा दूंगी पानी बाद में। एंड देख सकते हो कितना खिला खिला है, बिल्कुल जरा सा पानी आपको ऐड करना होता है साबूदाने में। साबुदाना खिचड़ी को मैं 2 से 3 मिनट और भूनूंगी इसके गैस के ऊपर, फिर हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप देख सकते हो कईयों की घुल जाती है और ये घुली नहीं है, क्योंकि साबुदाना को बस हल्का सा पानी डाल के भिगोना होता है, ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है। मेरा साबुदाना रेडी हो रहा है और यहाँ पे देखो मेरी स्माइली मेरा वेट कर रही है, मेरा बीटू, मेरा जुदकू, मेरे जुदकू की आईज कितनी चमक रही है, कितनी चमक रही है। बोलो, मैं अभी अभी खाना खाया, मैं वेट कर रहा हूँ कि कब आप खाना लेके आओगे, फिर हम रूम में चलेंगे, मेरी गुड गर्ल। तो गाइज, मेरी प्लेट रेडी हो गई, इसमें गर्मा गर्म साबुदाना है और ठंडी ठंडी है दही। बस मैं इसको इंजॉय करने वाली हूँ। अभी पूरा टाइम हो चुका है 12:05। A few moments later. तो गाइज, अभी 5:15 का टाइम हो गया। अपनी ग्रीन टी वगैरह बनाने लेके आई थी, अभी मैं वॉशरूम गई तो एकदम से लाइट चली गई। ये कोई टाइम है लाइट भगाने का? मेरे को अपनी एडिटिंग करनी होती है, वीडियो अपलोड, ये वो करना होता है, लेकिन पहले लाइट भगा दिया तो क्या ही बंदा करेगा। मेरा दिमाग ही घूमता रहता है, पता नहीं क्या ही सिस्टम है इनका। और यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है मेरे ग्रीन टी के लिए। मैंने अभी खाने के लिए एक बब्बू कोशा कट किया है, पियर कट किया, और इसमें मैं ग्रीन टी लूंगी अपनी। मेरे को हल्की हल्की भूख लगी थी तो मैंने यही खाने लगी हूँ। वैसे मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ, वो भी गोने याद नहीं रहते, वो तो मैं ऐसे ही खा लूंगी ड्राई फ्रूट्स। तो ये पानी गर्म हो गया, अब उसको छान लेती हूँ। तो अभी मेरा टाइम ग्रीन टी का था, आप जो इस टाइम प्रेफर करते हैं आप ले सकते हैं। A few moments later. तो गाइस, डिनर का टाइम हो गया, अभी 7:15 हो चुके हैं, 7:20। मैंने ये थोड़े से मखाने रोस्ट किए हैं, घी में मैंने नमक नहीं डाला और ये फीका दूध लिया। तो मैं बस यही खाने वाली हूँ, कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, कुछ ऐसे हैवी कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था, तो मेरे को लगा ये खा लेते हैं। प्रॉपर मील तरह ही हो गया है कि, क्योंकि ये खाली पेट अगर मैं सोऊंगी तो रात में भूख लग जाएगी, इसलिए मैं ये खा रही हूँ। और सुबह आपने देखा साबूदाना खाया, और जो मिड मॉर्निंग में आपने देखा है मैंने अपना वो एक ग्रीन टी पिया, साथ में मैंने बब्बू गोशा खाया, और अभी मैं ये खा रही हूँ। तो बस आज क्या मेरा डाइट प्लान है ये आप बताना, आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आप नए न्यू तक सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने न्यू तक लाइक करना है, मत भूलो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।